25 सीटों पे नोटा से भी कम वोट आए। तो अगर मैं दिल्ली की बात करूं, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। मैं दिल्ली के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि यहां की दिल्ली की सरकार ने एमसीडी का 33,000 करोड़ रुपए जो एमसीडी को देने थे वो देने से वंचित रखा। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 720 करोड़ रुपए जो स्वास्थ्य के लिए देने थे उससे देने से उन्होंने एमसीडी को वंचित रखा। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि लगभग 450 करोड़ जो शिक्षा पे खर्च होना था, ये दिल्ली के हितकारी बोलते हैं अपने आप को, इन्होंने जितना दिल्ली का हित का खनन किया है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। शिक्षा में भी 450 करोड़ रुपए जो एमसीडी को देना था वो देने से उन्होंने वंचित रखा। और इतना ही नहीं, जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा कि हम अपने बॉन्ड्स, म्युनिसिपल बॉन्ड्स बना करके हम जनता से पैसा उठाते हैं, हम मार्केट से पैसा उठाते हैं, लेकिन हम दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए आतुर हैं, तो उसका भी परमिशन यहां की दिल्ली की सरकार, जो दिल्ली विरोधी है, उसने नहीं दिया। इसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ताओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक शानदार तरीके से चुनाव को लड़ा, और बहुत कम अंतर है, और मैं जरूर कहूंगा कि एक अच्छी विपक्ष की भूमिका हम निभाते हुए उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे और उसको भी हम पूरा करेंगे। मैं मित्रों आपके और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बीच में बहुत समय नहीं लेना चाहता। आज एक बाई इलेक्शन हुआ है जिसमें बिहार में हम कुड़नी में बाई इलेक्शन जीते। यह चुनाव जब से जनता दल यूनाइटेड हमसे अलग हटी और महा 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 गठबंधन में गई, और ये कहते थे कि अब ये गठबंधन का कोई तोड़ नहीं है, इस महागंध गठबंधन को भी दूसरी बार हराते हुए कुड़नी की भी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीती। ये बिहार के आने वाले